से 2 साल पहले एक लड़के से मेरी मुलाकात हुई थी। उसने मुझसे झूठ बोला, अपना नाम अमन शर्मा बताया था। घर से मैं लेकर गया था धर्म परावर्तन कराने के लिए। फिर उसने मेरा धर्म परावर्तन कराया, उसने मुझसे कलमा वलमा भी पढ़ाया था उसने। फिर जब मुझे पता चला कि वो मुसलमान है, मुझे 15-20 दिन पहले जब वो मदरसे में लेकर गया था तब पता चला था। दलित समाज की हिंदू लड़की, उसको एक जिहादी द्वारा अपने प्रेम जाल में फंसाया गया, उसका लगातार यौन शोषण किया गया, वह शादी का झांसा देकर लगातार उससे पैसे लूटता रहा। यूपी के बुलंदशहर में लव जिहाद और धर्मांतरण का मामला सामने आने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आरोप है कि एक मुस्लिम युवक ने हिंदू टीचर को न सिर्फ प्रेम जाल में फंसाया बल्कि मदरसे में ले जाकर टीचर का धर्म परिवर्तन करा, शारीरिक संबंध भी बनाए। पुलिस ने पीड़ित टीचर के पिता की तहरीर के आधार पर विधि निरुद्ध धर्म परिवर्तन की धारा 3 और 4, रेप और SC ST एक्ट की धाराओं में FIR दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता के पिता के मुताबिक उनकी बेटी बुलंदशहर के गुलावटी में एक स्कूल में टीचर है। 2 वर्ष पूर्व टीचर की मुलाकात कस्बे में एक युवक से हुई। युवक ने टीचर को अपना नाम अमन शर्मा बताया था। आरोप है कि युवक शादी का झांसा देकर टीचर से शारीरिक संबंध बनाता रहा, लेकिन युवक शादी के लिए रजामंद नहीं हुआ। इसी दौरान पीड़ित टीचर को पता चला कि अमन शर्मा का वास्तविक नाम इंताक है और वह हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम है। बेटा क्या घटना हुई तुम्हारे साथ? अब से 2 साल पहले एक लड़के से मेरी मुलाकात हुई थी। उसने मुझसे झूठ बोला, अपना नाम अमन शर्मा बताया था। अजब वो मुझे घुमाने फिराने ले गया था। उसके बाद फिर मुझे वो सपा खाने पे उसमें मदरसे में लेकर गया था धर्म परावर्तन कराने के लिए। फिर उसने मेरा धर्म परावर्तन कराया, उसने मुझसे कलमा वलमा भी पढ़ाया था उसने। फिर जब मुझे पता चला कि वो मुसलमान है, मैंने अपने घर वालों को बताया। फिर मेरे घर वाले और मैं थाने पहुँचे कार्रवाई के लिए। पुलिस ने किस तरह की कार्रवाई की है? हाँ, तो पुलिस ने पकड़ लिया इसको, लड़के को? हाँ, पकड़ लिया। तो क्या चाहती हो आप मोदी सरकार से या योगी सरकार से? कुछ ना, बस मुझे उसे जेल भेजना है, बस उसे सजा करानी है। तो ऐसा उसने क्यों किया, क्या वजह है? उसने मेरे साथ फ्रॉड करा, मुझसे झूठ बोला था और उसने शादी कर ली। शादी किससे की है? अपने ब्रादर में कर ली उसने। कौन सी ब्रादर का था वो लड़का? मेवाती। तो आपको पता नहीं था वो लड़का मुस्लिम है? नहीं। कब पता चला इसका? मुझे 15-20 दिन पहले जब वो मदरसे में लेकर गया था तब पता चला था। तो किस तरह का तुम्हारे साथ शोषण किया उसने? कहाँ कहाँ तुम्हें ले गया, कहाँ कहाँ रखा उसने? मुझे हापुड़ भी और अपने गाँव की तरफ भी लेकर गया था। तो तुम्हारे साथ जो दुराचार की घटना का इसमें जिक्र किया गया है, उसमें वो अकेला ही था या और भी लोग थे? नहीं, वो अकेला ही था। विशेष प्रकार है, गुलावठी निवासी एक दलित समाज की हिंदू लड़की, उसको एक जिहादी द्वारा अपने प्रेम जाल में फंसाया गया, उसका लगातार यौन शोषण किया गया, वह शादी का झांसा देकर लगातार उससे पैसे लूटता रहा। कल बजरंग दल को यह विषय संज्ञान में आया तो बजरंग दल द्वारा यह मामला संज्ञान में आने के बाद में गुलावड़ी थाने में सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा उस अभियुक्त को पकड़वाकर मुकदमा पंजीकृत कराया गया, जिसमें उस अभियुक्त के विरुद्ध लव जिहाद माने धर्म परिवर्तन व SC ST व 376 में मुकदमा पंजीकृत कराया गया व उस लड़के को जेल भिजवाया गया। आरोप है कि युवक टीचर को मदरसे में ले गया और उसका धर्म परिवर्तन भी करवा दिया, लेकिन युवक ने धर्म परिवर्तन कराने के बाद भी टीचर से शादी नहीं की। आरोप तो ये भी है कि टीचर के परिवार वालों को जाति सूचक शब्द और जान से मारने की धमकी भी युवक ने दी है। फिलहाल पुलिस ने तहरीर के आधार पर FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जबकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बुलंदशहर से Time 24 न्यूज़ के लिए इकबाल सैफी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।